शीतला सप्तमी का महापर्व है और जिलों की नगरी उदयपुर में रंग निवास स्थित शीतला माता का मंदिर में शीतला सप्तमी को भी पूजा होती है और विधि विधान के साथ में राज परिवार के हिसाब से मेवाड़ राज घराने के हिसाब से यहां पर अष्टमी को भी पूजा अर्चना की जाती है। विशेष रूप से यहां पर शीतला सप्तमी का अवसर है और इस अवसर पर सभी धर्मप्राण जो महिलाएँ होती हैं वो एक दिन पहले माता जी के लिए ठंडा महाप्रसाद तैयार करती हैं और दूसरे दिन अल सुबह से ही माता जी की पूजा अर्चना के लिए सज समझ कर निकलती हैं अपने घरों से और माता जी के विभिन्न स्थानों पर जाती हैं और पूजा अर्चना करती हैं, पतवारी की पूजा अर्चना करती हैं और खूब आनंद ठाट से विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना करके और पूरे परिवार के लिए ये आशीर्वाद मांगती हैं कि अपना जो परिवार है वो सुखमय रहे, शांतिमय रहे और आनंद से पूरे परिवार का वर्ष भर तक माता जी ख्याल रखें। खूब आनंद ही आनंद हो रहा है और सभी महिलाओं ने शीतला माता का पूजन अर्चन किया है। बोल शीतला माता की जय, बोल बद्री माता की जय, बोल आज के आनंद की जय, जय शीतला माता। शीतला सप्तमी और अष्टमी के अवसर पर दो दिवसीय मेला लगता है रंग निवास स्थित शीतला माता के मंदिर में। विभिन्न स्थानकों पर भी काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और खूब धर्मप्राण जो महिलाएं पुरुष हैं वो शीतला माता के दर्शन कर अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता है और खूब आनंद ठाट के साथ में ये शीतला माता की श्रद्धा सभी पर अपार रूप से बनी रहे और खूब यहाँ पर शीतला माता की श्रद्धा का जो सैलाब आप देख रहे हैं भक्ति का, खूब महिलाएं आनंद ठाट से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं और ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर महिलाओं की जो अपार भीड़ है यहाँ पर स्थान भी नहीं है पूजा अर्चना करने का। शीतला सप्तमी के अवसर पर श्रद्धालु महिलाओं की अपार भीड़ उमड़ी उन स्थानकों पर जहाँ पर शीतला माता का पूजन अर्चन हो रहा था। कई जगह तो भीड़ बेकाबू ही दिखी और विभिन्न रूपों में थाल सजाए यहाँ पर महिलाएं श्रद्धालु पहुँची और खूब आनंद ठाट से इन्होंने सेवा पूजा की बड़े प्रेम भाव से। लेकिन कई जगह प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी तगड़ी व्यवस्था की और कतारबद्ध रूप से महिलाओं से पूजन अर्चन करवाया। श्रद्धालु महिलाएं पैदल तो कई वाहनों पर भी दिखी। श्रद्धालु महिलाएं अपने घर से थाल सजाकर मंदिर पहुंची और विविध रूपों में पूजा अर्चना की तो कई महिलाएं फागणियां पहनकर तो कई पीलियां पहनकर विभिन्न रूपों में यहां आई और पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद लिया और विभिन्न रूपों में कामना की। जय। वाह। हम आपको लिए चल रहे हैं छोटी शीतला माता मेहता जी की बाड़ी। विविध रूपों में शीतला माता की पूजा अर्चना हो रही है और ये छोटी शीतला माता का मंदिर है। यहाँ पर बोरवाड़ी के निकट विभिन्न रूपों में थाल सजाकर महिलाएं आई हैं और शीतला माता का पूजन अर्चन करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। कतार बड़ी लंबी लगी है और पूर्ण रूप से यहाँ पर पुलिस विभाग की तरफ से भी सुरक्षा का पूरा प्रबंध है और व्यवस्था बनी रहे इसके लिए सभी अपनी अपनी लाइन में खड़े हैं और खूब आनंद ठाट से कामना कर रहे हैं कि शीतला माता उनके यहाँ खूब आनंद ठाट करें।
सभी भक्तों के लिए आज सुबह 5 बजे से मंदिर खोल दिया गया है। सभी भक्त लोग आज सातवें के हिसाब से सातम की पूजा कर रहे हैं। सभी महिला आई हुई है और रात को 10 बजे तक यह मंदिर खुला रहेगा। और कल अष्टमी की पूजा जो राजा महाराजों के द्वारा की जाती है, जो जो मेवाड़ के मूल निवासी है वो अष्टमी को ही पूजते हैं करीब करीब राजा महाराजों के साथ। तो आठम को पूजा करने वाले आठम को ही पूजा करेंगे। आज आप बताओ क्या विशेष रूप से माता जी से कामना की है आपने, और क्या विशेष माता जी को यह कहा है, ये प्रार्थना की है कि 12 ही महीने अच्छे रखे, बच्चों को भी अच्छे रखे, सबका सुहाग बनाए रखे और ठंडा आप ठंडे रहे माता जी, हमारे भी सब ठंडा रखे। आप बताओ क्या कामना करी है कि बच्चों को सबको स्वस्थ रखो और ठंडे रहो माताश्वरी, और सबको ठंडा करो, सब दुख दरिद्र दूर करो माताश्वरी। और आज हमने पूजा करके यही कामना करी है कि हम हमारा सुहाग स्वस्थ रहे। शीतला माता की जय। आज शीतला सप्तमी है, शीतला सप्तमी के पावन अवसर पर हम सभी महिलाएं सज धज कर सवर कर माता रानी से हम हमारे बच्चों के लिए और परिवार के लिए सुखमय आनंद के लिए और सुख शांति के लिए पूजा अर्चना कर रही हैं। और जो घरों में विभिन्न घरों में जो बच्चों में माता जी निकलते हैं, ये वही शीतला माता हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सभी चीज़ें ठंडी चढ़ाते हैं। रात की जमाई हुई थाली से हम सजा कर हम माता रानी से पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें ठंडा जल अर्पित करके दही और चावल का भोग लगाकर माता जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी हमेशा ठंडी रहना और सभी को हमें हमारे जीवन में सुखमय और आनंदित प्रदान करना। कॉज ऑफ डे बाय डे जो बीमारियां चिकन पॉक्स में भी होता है, जैसे जैसे नेचुरल हीट बढ़ती है और चिकन पॉक्स होता है तो उसकी भी बॉडी में हीट रहती है और नेचुरल हीट भी रहती है। तो साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जब हम ठंडा खाते हैं जो चीजें होती है लाइक कर्ड हो गया, दही हो गया, ये सारी चीजें क्या बॉडी में भी हीट को जो तपिश होती है उसको कम करती है। तो साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि दही और ये सारी चीजें बॉडी की तपिश को कम करती है। तो उससे क्या होता है जो चिकन पॉक्स होते हैं उनमें जो होने वाली गर्मी है और गर्मी से जो परेशान होती है वो परेशानी कम करती है। साइंटिफिक रीजन ये है इसका। अच्छा लगता है या खट्टा? मुझे तो मीठा पसंद है और शायद सभी को मीठा पसंद होगा क्योंकि महापर्व है तो ओलिया तो और मिठाई तो मीठा ही पसंद करते हैं बचपन से ही। जी जरूर। अरे यहाँ पे पूरा विधि विधान से हम पूजा करते हैं, बच्चे की सुख शांति, घर की सुख शांति के लिए पूजा की जाती है और हम सब भी इसी की प्रार्थना करते हैं और साल भर खुशहाली बनी रहे। तो हुई कैसा आनंद आया आज? बहुत ही। क्या किया पूजा पाठ में किसको आनंद नहीं आता है? आज क्या किया? आज क्या किया? अरे कल रात को तो बनाया, ठंडा बनाया और आज पूजा की है। अब दशा माता का इंतजार है, 2 दिन बाद दशा माता करेंगे। मीठे ढोकले, लापसी, चावल, ओलिया, खट्टा मीठा, लापसी, चावल, पूड़ी, 8 तरह की चीजें बनाते हैं, भोग लगाते हैं, अढ़ाई वक्त उसको अढ़ाई देते अढ़ाई बताओ। रात को बनाए, ठंडा बनाया, आज पूजा करेंगे शीतला माता जी की और वो ठंडा ही खाएंगे आज पूरे दिन बच्चे सब जने। आप बताओ आज पूरे पूरा दिन ठंडा ही खाएंगे सब जने, रात को बनाया और अभी पूजा करने आए माता जी। जय आनंद आ रहा है। जय आनंद आ रहा है यहाँ। हम माता जी की पूजा करने आए शीतला माता जी की। सभी औरतों में बड़ा उत्साह है, 7:30 बजे से लाइन में लगे हैं, अब पूजा करेंगे ना रात से ही ना तैयारी करने का मतलब सुबह की तैयारी कर दी है। और क्योंकि इनको भोग है ना ठंडा ही चढ़ता है तो पूरी चावल और लापसी और ये बनाए हैं उनके भोग के लिए और आज हम ठंडा ही खाएंगे। जो बच्चे की माँ है वो बच्चे की माँ, ये माता जी है रक्षा करने वाले तो वो है पर हम भी माँ है तो हम उनका माता जी ने जो बोला है कि यानी हमने कथा सुनी है उसमें बोला है कि है ना बच्चे की माँ ठंडा खाती है, आज हम सुबह और शाम ठंडा ही खाएंगे और इनकी पूजा करने आए। ने किया है आज शीतला माता का दिन है। माता रानी सबको ठंडा रखे, घर में सुख शांति दे, बीमारियों से दूर रखे, बच्चे को अच्छा रखे, सबको स्वस्थ रखे। और आज लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, बहुत लंबी लंबी लाइन है आज तो, जितनी कभी नहीं देखी है। स्थान है ये छोटी शीतला माता, ये मेहता जी की खिड़की में है और यहाँ बरसों से है ये और इनकी सभी पूजा करते हैं, ठंडा खाते हैं, ये है।
ठंडम बनाई हूँ, ठंडम पूजा की थी है ना, दुनिया में देश मिलो आवे जो सब ठंडो बनाते हो, भगवान से पूजा करी ठंडो खाजो जो माता जी बाहर का नोरा निकल। आप क्या कहना चाहेंगे आज आपको कैसा लगा माता जी की पूजा की थी, आपने क्या मांगा आज माता जी से? सब कुछ मांगा, अन्न धन लक्ष्मी सब मांगे। भक्ति नहीं मांगी है? वाह भाई जय जय, बहुत अच्छी बात है। आज आज सबको आज सब सखिया आज आज माता जी की आपने पूजा करी, आपने क्या मांगा माता जी से? माता जी से सुख शांति मांगी। मैडम आपने क्या मांगा माता जी से आज? आपने पूजा करी माता जी की आज? हाँ, सबसे पहले भी मांगा भगवान मेरे को भक्ति दे, मेरे को भक्ति करना नहीं आता। तो भगवान को आज 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 घर आज शीतला सप्तमी पे घर पे क्या बोझ क्या बनता है? शीतला सप्तमी पे मनाते दलिया, मीठा दलिया और घाट चावल, चावल का दलिया मतलब, और बाकी ठंडा पूरी और ओलिया। ओलिया नहीं बनाते हो? मीठा तो ओलिया खिलाने तो बुलाओगे ना हमारे को? अच्छा मैडम आपका आपने कैसे क्या किया आज पूजा में, क्या मांगा माता जी से? आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद मांगा, चलो आपने क्या आज शीतला सप्तमी का दिन है, बड़ा ही सब बहने देखो आप पीलिया पीलिया पहन के आई है और सब माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए आई है, और उन्होंने मतलब माता जी को ठंडा करते हैं 7 दिन तक, और ये अपने हफ्ते के दिन चलते हैं आज। होली सब होली का जब मंगल होली मंगल थी है उसके दूसरे दिन से सभी बहने यहाँ पे आज दस दिन की कहानियाँ कहती है और शीतला माता की ठंडा करने के लिए आती है, तो बहुत जल्दी जल्दी आज इन्होंने माता जी को ठंडा किया है। सबने अपने अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगी है और मातेश्वरी सबको ठंडा रखना और सबको भक्ति देना शक्ति देना, और आज के दिन ऊर्जा बनाते हैं और माता जी को भोग धरते हैं, और आज शीतला माता की जय, और आप सभी को शीतला माता की बधाई हो, शीतला माता दिवस की। और सभी मैं माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मातेश्वरी आप सबको सुख शांति देना, सबको अमर आवाज देना और सब बच्चों की रक्षा करना और हमारा भारत विश्व रूप बने। आज आपने भी पूजा करी माता जी की? पूजा हुई। क्या क्या मांगा? शांति मांगी, सुख शांति। तो मेरी शादी की पहली शीतला सप्तमी है और मेरी आज पहली शीतला सप्तमी, और मैंने पूजा करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मेरे लिए अब हाथ मांगा। आज आपने भी पूजा करी माता जी की? हाँ। चलिए अच्छा रहा। क्या मांगा माता जी से? घर में सुख शांति, ठंडा रहे हो। कैसा आनंद आया? बहुत बढ़िया। चलिए ओ शीतला माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज शीतला सप्तमी, आज शीतला सप्तमी का दिन है, शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी मनाई जाती है। आओ हम सब सखियों से जानते हैं इनके बारे में। माता जी के लिए ठंडा बनाते और पूछते हैं, और बच्चे की शुभकामनाएं के लिए, घर की शुभकामनाएं के लिए शीतला माता पूजने से
साल भर स्वास्थ्य अच्छा रहता है बच्चों को, और मौसमी बीमारियाँ नहीं तो परेशान करती है। आप बताइए बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। श्री कृष्णा राधे राधे हैं। हम आ गए अंबा माता मंदिर में सेक्टर 14 में। यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। आओ सब सखियों के बारे में इनसे जानते हैं। बताइए शीतला सप्तमी को क्या क्या करा जाता है और क्या क्या होता है? माता है अपने बच्चों की। आप बताइए। अच्छा रहता है, ठंडा खाना खाते। हाँ जी शीतला सप्तमी है और होली के 7 दिन बाद आती है, और सब महिलाएं सब लेडीज शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं। ठंडा बनता है, होलिया बनाते हैं, और इसमें केसांगरी की सब्जी, कोई मीठे भुजे पूड़ी वगैरह सब चीज़ें बना के माता जी को भोग लगाते हैं। और आज के दिन कोई गर्म खाना नहीं खाते, सुबह शाम दोनों वक्त का ठंडा खाना नहीं खाते। जय अर्चना कर रहे हैं शीतला माता की। हम मतलब साल में एक बार हम पूजा करते हैं माता जी का, ठंडा खाना एक दिन पहले बनाते हैं, फिर एक दिन बाद हम माता जी की सेवा पूजा करके उनको भोग लगाते हैं, ताकि हम पूरे साल वो हमें ठंडा रखें। और आप कैसा आनंद होता है? और अच्छा आनंद होता है, सुबह सुबह जल्दी उठ के पूजा करने जाते हैं। बताओ ये शीतला माता का त्यौहार, एक दिन पहले ठंडा बना के शीतला माता की पूजा करके पूरा दिन ठंडा खाना खाते हैं आज। बताओ कैसा आनंद आता है? अच्छा आता है। वाह, शीतला माता का ये ठंडा बनाते, ठंडा खाना खाते, पूजा करते। बताओ। हाँ बताओ। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि आज के दिन एक दिन पहले खाना बनाते हैं, और आज के दिन अष्टमी का शीतला सप्तमी का पूजन करके और ठंडा खाना खाते हैं सारे दिन। चावल बना के ओलिया बनाते हैं, चावल, लापसी, केसांगरी की सब्जी। कौन सा ओलिया अच्छा लगता है? खट्टा और मीठा दोनों। मीठा और खट्टा दोनों बनाते हैं, लेकिन हम तो मीठा ही खाते हैं सब। बताओ। हम भी मीठा ही खाते हैं। बताओ आप बताओ। हम तो मीठा ही बनाते, मीठा ही खाते हैं। दही बड़े में बनाते हैं, दोनों बनता है, पर मीठा मीठा दोनों बनता है, मीठा ज्यादा। आपसे पूछते ही रहना। हम ननन भोजा है। ननन भोजा है क्या? पापा की एक जो बोलो सब बोल जाए। सदियों से चलती आई रही परंपरा चलती रहेगी। शीतला माता पूजन और दशा माता पूजन भारतीय परंपराओं में, भारतीय व्रतों में ऐसे व्रत और पूजन हैं कि जहाँ पर शिक्षा मिलती है हर नारी को, और ये बड़े प्रशिक्षण केंद्र हैं कि घर में किस प्रकार से रहा जाए, किस प्रकार से आपसी भाईचारा रखा जाए, आपसी सामंजस्य रखा जाए, शांति रखी जाए, और घरों में किस तरह से सामंजस्य रूप से देरानी जेठानी हो, सास बहू हो, या और कोई आने वाले अतिथियों के साथ में किस तरह से व्यवहार निभाया जाए, ये शिक्षा देती हैं ये कहानियाँ। विशेष रूप से विभिन्न रूपों में ये कहानियाँ कही जाती हैं, और लोकाचार में विभिन्न रूपों में ज्ञान हर महिलाओं को प्रतिवर्ष इन पर्वों पर, महापर्वों पर मिलता रहता है। तो ये हीरा मोती पन्ना सब पड़े था, मैंने लेवा लगी तो हटाई के चला है भाई हटू जा थारों टोला तो माने अटी बटी ने नहीं मिला ना बा टोला थारों आउ तो किरा होना चांदी आउ तो किरा ये हीरा मोती तो के बाबटू निराश भी पचा आगे गई तो तुलसी माता बेटा था का तुलसी माता मैंने पावले जरीरी करी रही तो लेवल लगी तो बना भी मैंने जतकारी भाई तू तारे हट हटू मारे हटे था ना तर लोटे पानी रो नहीं सींचो तू तो क्या मैं तो यू करूँ वाह भाई आगे गई है तो बे जाई ने ना ये जो गजानन जी बाबाजी मिलिया तो लाड़ू रूपाड़ा रूपाड़ा अतरी खुशबू आई रही भूखा मरी रही जो टूट पड़वा लगी थाल लेने बैठा था का जो ले वाला की तो क्या चला
थोना घणी वात खावे भाई लेवे तू थारो काम हंदाणा हंदवा वर वात क्यो जो तो थारो नी हंदायो न अबे जो तू लाडू खावर वात तैयार वेगी चल हट मारे टे कोई नहीं है तो आपड़ी ने सब दूध करी तो घरे गई घरे पहुंची न बेन ने कोड़े ने भोली मतलब ये जो असी रोती सूरत बनाई ने गई तो पचे के काय भाई कही के थारे क्यों असी रोती सूरत बनाई है तो के रोती सूरत कही बनाओ मु तो जटे गई जटे ही मने तो काय बेन ने थाने को वतम कही ना मैं मु तो बटे गई जो ने तो मने कणी देवी देवता कही दी दो ने मने भाई भोजे कणी कही पूछियो तो के थे कही की दो के कही कही की दो मैं तो रास्ता में ने जतरा देवी देवता मिलिया बना सब री सेवा पूजा की दी न सब रहे है जो भाई बुझाए घरे गई तो बटे भी है जो काम की दो तो बेना आज रे युग में है कि काम वालो वे मनक वालो नहीं वे जो जटे भी जानो बटे काम पहला कर लो रे भगवान बड़ी मोटी ने टूटिया जैसा कि ने टूटो मती ना बड़ी पतली ने टूटिया जैसा सब ने टूट जो ऊंट ने टूटिया जैसा है भगवान ये दशा माता की आई है वसी की है जाड़ी जसोदान पतली पेमा एक बार उन्होंने इंटरव्यू दी थी एक सेकंड हो थोड़ा थोड़ा सा टिन सर को आज रे दन तो शीतला माता री कहानी केवा मां जी कौन कौन सी तुलसिया माता री शीतला माता री और पंथवारी माता री यूं करने छे पांच सात कहानियां तो केवा ही केवा सात दंडी सात कहानियां सात शीतला माता री सात कहानियां तो मां केवा ही केवा और ठंडो वणावा राते वणावा परबाते पूजवा ने आवा ठंडा महीने अच्छी अच्छी चीजा वणावा ठंडी ठंडी सब ठंडी ठंडी मतलब है जो चावल है पूड़ी है दा मतलब है जो या केर हांगरी सब्जियां है कसी भी सब्जी अच्छी बनावा और दही वड़ा है ये सब चीजें आना रे छड़े माजी राज रे और दही दूध नई सब ले नावा ओलियो छड़े माजी राज रे सब ठंडो ही छड़े और हाऊ न वाऊ न वे घर में दे रहे जेठने सब जना पूजवा नावा सब जना छांटो नाक नावा हल्का पुल्का छांटो नाक नो छावे माजी राज ने ज्यादा भर भर ने वना रे दही दूध न कई भी नहीं छड़ानो छावे हल्का पुल्का छांटा नाक ना छावे नीतर अपने बच्चा बच्ची ने भरपूर माजी राज पधारे हाणी वहां ते आज रे दन पूजा अंडीस कीधी एक ठंडो खावे ठंडा ही नावे ठंडा ही रेवे तो माजी राज रे असी ठंडी पूजा करा तो आप साल भर तक ठंडा रे ठंडा रेवा माजी राज रो आशीर्वाद यो रेवे अपने माते जय हो कहानियों से शिक्षा मिलती है एक देराणिया जेठाणिया ने भी वर्ण वर्ण ने रेणो छावे काणी मायने भेदभाव नहीं करनो छावे ने जेठाणी रे ज्यादा है तो ने देराणी ने मतलब जलनो छावे ने है जो जेठाणी रे ज्यादा वे तो देराणी ने जलनो छावे ने जेठाणी रे ज्यादा वे देराणी ने मतलब आपस में हिल मिल ने रेणो छावे या शिक्षा है अणी मैंने देरण जेठाणी नन्ना नु कणी भी भेदभाव नहीं राखनो छावे सास बहु ने भी वंटन ने रेणो छावे बहु अपनी बेटी से सास ने भी मान समझनो छावे बहु ने या शिक्षा मिले है बताओ आपको कैसा आनंद आता है मेरे सासू जी के मेरे सासू जी मुझे अच्छा ही रखते हैं बताओ मुझे मेरे सासू जी बहुत अच्छा लगते हैं मैं बहुत प्रेम से रहती हूँ उनके साथ इनका सारा कहना मानती हूँ ये जैसे सिखाते हैं वैसे रहती हूँ उनके साथ पूजा पाठ सब सिखाते हैं आप बताओ कैसा आनंद हम भी सब आराम से ही देराणी जेठानी आए साथ में ये देराणी जेठानी बहुत आनंद है क्या शिक्षा मिलती है शिक्षा की अपने से बड़ों बुजुर्ग से शिक्षा मिलती है इसकी पूजा करनी चाहिए बच्चों के लिए अच्छी है ये पूजा शीतला माता की पूजा की जाती है कि अपने घर में बच्चों को सुख शांति रहे अपने घर में और हम ठंडा ही बनाते हैं एक दिन पहले और दूसरे दिन ठंडा खाते हैं कौन सा ओलिया अच्छा लगता है खट्टा मीठा दोनों मीठा और खट्टा दोनों बनाते हैं लेकिन हम तो मीठा ही खाते हैं आप बताओ हम भी मीठा ही खाते हैं बताओ आप बताओ हम तो मीठा ही बनाते हैं मीठा ही खाते हैं दही बाड़े में बनाते हैं दोनों बनता है मीठा मीठा दोनों बनता है मीठा ज्यादा आपसे ही पूछते हैं ना ननन भोजा है ननन भोजा है क्या सदियों से चलती आई रही परंपरा चलती रहेगी पूजा करते हैं होली पहले ठंडा बनाते हैं और आज हत्ता पालते हैं पूजा करते हैं होली जलती है उसके सात दिन तक आप बताओ आप बताइए शीतला माता की पूजा करते हैं ठंडा बनाते हैं सात दिन तक हम इनकी दस दिन तक हम हाथ में सुई लेते हैं
बताओ कौन सा होलिया अच्छा लगता है? मीठा होलिया अच्छा लगता है। वाह वाह, मीठा भी बनाते हैं। जय हो। शीतला सप्तमी पर विशेष रूप से ओलिये बनते हैं और ओलिये में खट्टे भी बनता है और मीठा भी बनता है। कई जनों को मीठा अच्छा लगता है, कई जनों को खट्टा और तीखा। आप बताएं क्या कहना है आपका? मीठा ओलिया बहुत अच्छा लगता है, है? हाँ, साल भर इंतजार करते हैं और उसको दशा माता तक भी अवेरते हैं। हाँ। बताओ बचपन में आपको कौन सा अच्छा लगता था? मीठा ओलिया। बताओ मीठा ओलिया अच्छा लगता था बचपन से। आप बताओ। हम तो बचपन से खट्टा ओलिया पीते हैं। आप बताओ। खट्टा ओलिया। आप बताओ। शीतला संतोष में मीठा और खट्टा ओलिया दोनों बनता है, पर हमको मीठा ज्यादा अच्छा लगता है। जय हो। जय शीतला माता। जय शीतला। जय शीतला। राम द्वारा चौक है। हाँ। ये और इस दिन शीतला माता की पूजा करती है महिलाएं और बहुत अच्छा रहता है इस दिन। हाँ। बताओ कैसा आनंद आता है? अच्छा लगता है। वाह। आप बताओ क्या कहना है? आप दिन बाद रखते के बाद में शीतला माता की पूजन होती है आज के दिन। हाँ। और एक दिन ठंडा बनाते हैं, दूसरे दिन ठंडा खाते हैं। हाँ। और दिन भर माहौल ऐसा ही रहता है और सब पूजा पाठ करते हैं और इधर उधर जाने खाने वाने के लिए जाते हैं। हाँ। ओलिया वगैरह पीते हैं। लगता है मीठा ओलिया। मीठा ओलिया। मीठा ओलिया। अरे वाह। खट्टा ओलिया। आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लगता है? बताओ। मीठा ओलिया। मीठा ओलिया। अरे वाह। खट्टा मीठा दोनों। वाह। ये शीतला सातवीं है। हाँ। कोई सातम पूछते है, कोई आठम पूछते है। बाल बच्चों के लिए, सुख शांति के लिए। हाँ। माता जी सबको ठंडा रखती है। हाँ। मोहल्ले में ठंडा रखती है, जो गर्म खाती है उसको गर्म करती है और सबको शांति देती है। वाह। बताओ कैसा आनंद आया? बढ़िया है। आप बताओ। अच्छा आया। क्या क्या बनाते हैं? माता जी की पूजा करने के लिए आए हैं। सब जने को माता का आशीर्वाद। हाँ। बहुत अच्छा लगा। वाह। अच्छा त्योहार है। हाँ। शीतला माता की पूजा अर्चना कर रही है महिलाएं और सभी यही कामना कर रही है कि शुभ शीतला माता सभी के घरों में सुख शांति रखे और सभी स्वस्थ रहे, साल भर तक खूब आनंद मस्त रहे और खूब ओलिये दोलिये खाए घरों में। और साल भर तक सभी इंतजार करते हैं कि कब ओलिया बने। छोटे बच्चे जो होते हैं वो माता के साथ में आ जाते हैं और माता जी को कहते हैं कि जल्दी पूजन अर्चन करो और ओलिये दोलिये की खूब मनवार हो और खूब आनंद ठाट से माताएं ओलिया दोलिया बच्चे बच्चे को परोसे। जय हो। बोलो कैसा आनंद आया आज? अच्छा। आज बहुत अच्छा आनंद आया है। आज हमने शीतला सातम की पूजा की है। आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। अच्छा। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बोलो। शीतला सातम की पूजा आज की हमने सोमवार को और भोलेनाथ जी की पूजा करने आए यहाँ पे और बहुत आनंद आ रहा है। सबके दर्शन हो रहे हैं, सबसे जैसे कृष्णा कर रहे हैं। वाह। जय हो। बोलो बोलो। तो माता जी के अभिभावक हूँ, बोल रही थी। बहुत आनंद आया मुझे शीतला माता का पूजन करके। बोलो। आज हमें बहुत अच्छा लगा, हम शीतला माता की पूजा करी है। जय श्री कृष्ण। जय शीतला माता की कहानी कहते बहुत ही आनंद आया। वहाँ मंगल आज के दिन ठंडा खाया जाता है, शीतला माता की पूजा की जाती है। इस दिन घर घर में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं और कहानियां कहते हैं। आप बताओ। शीतला माता जी की पूजा करके बहुत ही आनंद आया है और आज के दिन है ना सभी जने ठंडा खाते हैं और सभी को है ना एक दूसरे के घर है ना ठंडा खाने के लिए बुलाते हैं। आप भी बता दिए सब जने। हाँ। बताओ
कैसा आनंद आया? आज के दिन तो बहुत ही आनंद आया है और सब सखियां मिल के पूजा करते हैं, ठंडा वंडा बना के खाना खाया है, खाएंगे। आज के दिन बहुत आनंद आया है, सब ठंडा खाते हैं, पूजा करते हैं। हमने बहुत आनंदित हुए हैं। जय श्री कृष्ण। हरे गणेश जी प्रसन्न हुए हरे गणेश जी की दोगरी बार मांग आज तो नहीं मांग, काले मांगूंगा मारे घरे पूछे कि गणेश जी मारो खुश हुआ तो मैं कई बार मांगू के तो आपने पोतो नहीं आप पोतो मांग लो। अरे तो बच्चे वाले बेटा ने पूछे कि आपने धन दौलत भी कमी वहाँ मांग लो। पड़ोसा ने वंडे पूछे अरे तो वाके थाने आख्या नहीं आख्या मांग लो थाने अमर सुहाग मांग लो थाने मीन दिखा दे तो। अरे अबे डोकरी देखे अबे कई मांगू विचार करे पची जा वापिस गणेश जी आवे कई डोकरी कई होचो के हाँ होचो के मैं बता है नी चांदी की कटोरी में सोनारा चम्मचू मारा पोता ने झूलती दूध पिलाती लगी देखू और मारो अमर सुहाग रेवे गणेश जी के डोकरी तने कई नहीं मांगता वे कई नहीं मांगता वे तो सब ही मांग ली दो गणेश जी मंडे पोतो ही दीदो मंडे खूब अन धन दौलत दीदी और मंडे अमर सुहाग दीदो। हे भगवान गणेश जी वाणी डोकरी ने टूटिया विश्व सब ने टूटो सबरे अमर सुहाग राखो सुख सौभाग्य समृद्धि भगवान की जय हो। आज तो आनंद ही आता है, शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं तो अच्छा ही लगता है। और जैसा कि यार आज सभी ठंडा ही खाते हैं, ठंडा ही बनाते हैं और माता जी की पूजा करते हैं, ठंडा चढ़ाते हैं, जल वल ये दही दूध लस्सी चावल सभी चीज चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, माता जी की पूजा की और पटवारी माता की पूजा करेंगे। कामना करते हैं बच्चों के लिए, शीतला माता को जल चढ़ाते, शीतला माता को जल चढ़ाने से बच्चों को माता जी वगैरह नहीं होते। ये पटवारी माता पूछ रहे हो, शीतला माता की पूजा की और पटवारी माता की पूजा कर रहे हो और क्या क्या चढ़ाते? यही दही दूध जल कंकू मेहंदी लच्छा प्रसाद मुक्सी चावल ठंडा पूरी। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। माता जी की पूजा करते हुए तो बहुत आनंद ही आनंद। वाह जय हो। आनंद आया है आज, बहुत अच्छा आनंद आया। क्या किया आज बताओ? आज शीतला माता जी की पूजा करते हैं और सब ठंडा चढ़ाते हैं, आज के दिन सब ठंडा ही खाते हैं और दही ओलिया खाते हैं, ठंडा ही खाते हैं घरों में गरम बनाते क्या? एक दिन पहले हम ठंडा बनाते हैं और जल्दी पूजा करते हैं शीतला माता। वाह जय हो। जय शीतला माता की जय। वाह शीतला माता जी के पूजन अर्चन के लिए सभी महिलाएं आई हैं विभिन्न रूपों से श्रृंगारित होकर और हाथ में थाल लिए सब प्रतीक्षा कर रही है कि कब हमारा नंबर आए और शीतला माता जी की पूजा अर्चना करें। घरों में ठंडा भोजन प्रसाद बनाती हैं और साल भर तक ओलिए दोलिए की सबको प्रतीक्षा रहती है। आनंद आया है आज, साल भर से इंतजार होता है पूजा करने के लिए। आज कल दिन ठंडा खाते हैं दिन भर, अच्छा पीते उड़ते अच्छा रखता है घर में त्योहार जैसा लगता है। 10 दिन तक माता जी को ठंडा करते हैं, अच्छा पीते उड़ते हैं, पकवान बनाते हैं। वाह शीतला माता पूजी जाती है होली के सातवें दिन, छठ के दिन बनाते हैं खाना लापसी चावल गाढ़ और ठंडी पूजा ही जमाते हैं। सवेरे उठ के नहा धो के और ठंडी पूजा करने आते हैं शीतला माता। और घरों में क्या बनाते हैं?
बताओ। घरों में लापसी चावल बनाते हैं, फिर ठंड पूजा माता जी की करके फिर दही मिला के खटमीठा ओलिया बनाते हैं, कोई चरका बना घाट का चरका बनाते हैं और लापसी बनाते हैं, ठंडा ही खाते हैं, कोई पूड़ी पकोड़े बनाते हैं, हम तो हमारे लापसी चावल और रोटी बनाते हैं। बताओ कैसा आनंद आया। यही बनाते हैं, आज के दिन चूल्हा नहीं जलाते हैं, ठंडा ही खाते हैं, आनंद आया है आज तो। आज बहुत आनंद आया है, आज शीतला सप्तमी है और हम पूजा कर रहे हैं। और घरों के बाहर क्या करते हैं? घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं, गजानन जी पधारो, और ये टिल्ले रिधि सिद्धि, ये बिंदी उनके रिधि सिद्धि के लिए लगाते हैं। शीतला सप्तमी पे हम एक दिन पहले ठंडा बनाते हैं और बड़े आनंद से इसकी पूजा करते हैं हम लोग, और ठंडा बना के फिर एक दिन पूरा दिन हम ठंडा खाते हैं, जिसमें सभी का यही रहता है कि शीतला सप्तमी में मतलब ठंडा खाना चाहिए, तो हम लोग इसी तरीके से इस त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। बताओ जी, बताए। शीतला माता के पूजन में ठंडा बनाते हैं, ठंडा खाते हैं, मतलब है ना, अच्छी तरह से पूजा करते हैं उनकी। बताओ कैसा आनंद आता है। ये पूजा है ना, बच्चे के लिए की जाती है, मतलब ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, और सब ठंडा। आप बताओ क्या बनाया घरों में? ठंडा बनाया, लापसी चावल हो गया। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है। आज शीतला अष्टमी की पूजा है, इस पूजा में हम रात को ठंडा बनाते हैं, फिर पूजन करते हैं और ठंडा ही खाया जाता है, और इस पूजा में सभी जन इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, सबसे अच्छा आनंद आता है और अच्छी तरह से पूजा होती है। और कैसा आनंद आया है? बहुत भीड़ है आज। वाह, भीड़ में भी हमने पूजा की है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब शीतला माता की जय। आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा करने के लिए लाला जी तो हो रही है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। वाह, जय हो। बताओ कैसा आनंद आया है। माता जी की पूजा करने आए हैं हम, शीतला माता जी की, इनको जल चढ़ाते और ठंडा चढ़ाते हैं आज के दिन। ठंडा चढ़ाते हैं तो माता जी हमें सबसे ठंडा अच्छा रखते, स्वस्थ रखते, और जब माता जी आते तो ठंडे ठंडे आते, ताकि माता जी के जल सब आज रात को बनाते, सब आज के दिन सब ज्यादा ठंडा ही खाते हैं। अच्छा लगता है, आज के दिन माता जी के सब पूजा करने आते हैं, शीतला सप्तमी मनाते हैं, कल ठंडा बनाते हैं, और माता जी की पूजा करके सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, ताकि उनके बच्चे परिवार सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, यही माता जी से कामना करेंगे, आशीर्वाद सब पे बना रहे। गर्म खाना, ठंडा खाना, दही सड़ा, दही अच्छी, चावल का भोग लगाया, पूड़ी बनाई और वो ठंडा बनाया, और आज भोग लगाया, आज गर्म खाना नहीं बनेगा, सभी ठंडा ही खाएंगे। जय शीतला माता जी का, ये हम ठंडा बनाते हैं और इनकी पूजा वगैरह करते हैं, माता जी से प्रार्थना करते हैं कि सब बच्चा हो, सुख समृद्धि हो, बच्चों के सब अच्छा रहे। जय हो। क्या क्या किया आज? आज हमने ठंडा बनाया, ठंडा बनाया, आज पूजा करी। लापसी चावल पूड़ी आठ तरह की चीजें बनाते हैं, भोग लगाते ये मीठे ढोकले, लापसी चावल, ओलिया, खट्टा मीठा। पूजा तो हुई, कैसा आनंद आया आज? बहुत ही। क्या किया पूजा पाठ में, किसको आनंद नहीं आता है? आज क्या किया? आज क्या किया? अरे कल रात को तो बनाया, ठंडा बनाया और आज पूजा की है। अब दशा माता का इंतजार है, दो दिन बाद दशा माता करेंगे।